हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन। तो मैं भरो, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, मैं ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, और स्पेशली फॉर 10th क्लास वाले स्टूडेंट जो अभी अपने आने वाले बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और तो ये वाले क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और मेरे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड का टोटल 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, और उसमें मैंने कई सारे फंडे और कई सारे ऐसे ट्रिक्स डिस्कस किए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो बने रहेगा एंड तक। अरे बैठे, देखिए गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फंडा बताया था, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी मैं या फिर साइन कॉस्ट यानी या फिर ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये अपना हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपना पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो जाएगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब गाइस, कॉट थीटा आपको पता है, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन अब सेक थीटा क्या है, सेक थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऑन कॉसेक थीटा क्या है भाई, अपना साइन थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो गाइस, उनके क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो गाइस, पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन वन हमें दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये है ट्रायंगल ए बी एंड सी, जिसका ये कौन 90 डिग्री दे रखा है और ये थीटा दे रखा है, ये अपना थीटा है, और इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, और इसकी वैल्यू अपन को 5 दे रखी है। तो गाइस, अपन को फाइंड करना है किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, एंड देन टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको सीधा सा पता है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा पढ़ना है, सीधा सा पढ़ना, दिमाग लगाना है अपन को। अब जैसे साइन थीटा बराबर अपने क्या लिखा भाई, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी भाई, ये परपेंडिकुलर सीधा पी से डिनोट करो, सॉरी ये आप हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये अपने बेस हो जाएगी। तो सीधा बस अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, सेंटीटा और थीटा अपना एंगल ये है। मैंने क्या कहा था, अगर थीटा ये एंगल हो तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती और नीचे वाली साइड बेस कहलाती, बस ये अपन को फंडा याद रखना। तो इसका क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अपन को दे रखा है। तो परपेंडिकुलर क्या भाई अपना, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना है 3 एंड हाइपोटेनियस क्या अपना 5। तो ये बस ये अपना साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, सीधा सिंपल सा फंडा। अब देन आगे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा पूछ रहा है। अब सेक थीटा क्या भाई, सेक थीटा अपना है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस क्या अपना, हाइपोटेनियस 5 है और बेस है अपना 4, 5/4। और अपने को पूछ रहा है अब टेन थीटा, टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या अपना, परपेंडिकुलर 3 है और बेस है अपना 4। तो भाई ये सीधा सा फंडा यहाँ पे भी हो गया। तो बस अपने को ये 3 वैल्यू निकालनी थी, अपन ने निकाल लिया भाई। इस प्रकार से अपन क्या कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट की भी निकाल सकते हैं, कॉसेक की भी निकाल सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सीधा सिंपल सा फंडा याद करना है, बस अपने को बेसिक्स पकड़ना है, बेसिक्स पकड़े चलोगे तो ये चीज़ आपके कई प्रॉब्लम नहीं करने वाली। ठीक है, अब तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि कॉस थीटा अपन को दे रखा है, कॉस थीटा बराबर अपन को दे रखा है 4/5, 4/5 दे रखा है। तो फाइंड अपन को क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड एक तो कोसेक थीटा की वैल्यू पर फाइंड करनी है और एक कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। सीधा सिंपल सा भाई, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, कॉस थीटा क्या है, अब कॉस थीटा ये क्या है,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटीनियस। तो ये हो गया अपना बेस और ये अपना हो गया हाइपोटीनियस, ठीक है भाई। अब तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ये अपना हो गया और थीटा अपन को सीधा यही मानना है भाई, थीटा भी अभी तो अपन को यही मानना है, जब प्रॉब्लम हो गया आगे तो हम डिस्कस करेंगे। बेस अपना 4 है और हाइपोटीनियस अपना 5 है, तो अपन को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब आपको अब आते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो वैल्यू पुट करना है भाई, सीधा 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 वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटीनियस स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपन को निकालना तो पी का पी रखता हूँ मैं, बेस अपन यानी 4 का स्क्वायर यानी 25 बराबर पी स्क्वायर बराबर प्लस 16। अब 16 का पक्षांतरण या फिर इस तरह मैं ट्रांसफर करता हूँ तो प्लस का माइनस का हो जाएगा यानी 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बराबर पी स्क्वायर। और स्क्वायर को इस तरह भेजता हूँ तो रूट 9 बराबर पी, और 9 रूट 9 के तक किसका होता है भाई, 3 होता है, 3 का होता है भाई। तो ये अपना परपेंडिकुलर अपना पास आ गया। अब ये वैल्यू अपन के पास कितनी आ गई, ये वैल्यू अपने पास 3 आ गई, यानी परपेंडिकुलर का मान अपने पास 3 आ गई। तो अब सीधा सिंपल सा फंडा है, जो अपन करता है वही करना है सीधा सा। कोसेक थीटा अपन को दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर क्या है भाई, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपना 5 है और परपेंडिकुलर अपना 3 है, तो बस 5/3। और ये अपने वैल्यू फाइंड कर दी सीधा सिंपल सा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि कॉट थीटा। अब भाई आप थोड़ा सा ध्यान देना इस तरफ, थोड़ा सा बस। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है अपना, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3। तो ये क्वेश्चन अपना सीधा सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब इसमें भाई अपने को दूसरी कोई भी वैल्यू पूछ ले, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, एनी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, सीधा सिंपल। अब ट्रिग्नोमेट्री का भूत आपको सीधा उतार देना है, तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी सरल है उतनी आप क्या बना रहे हो उसको थोड़ा ट्रिकी बना रहे हो, तो उसको थोड़ा हल्के में लो, थोड़ा सा हल्के में लो, थोड़ा सा फंडे लगाओ, थोड़ा सा बेसिक्स के साथ काम करो। तो बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री डराने वाले, और मेरी मानो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री अगर आप बेसिक्स के साथ में चलते हो, फंडों के साथ में चलते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका सबसे ईजिएस्ट चैप्टर या फिर आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होने वाला है या स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होने वाला है सीधा सिंपल। तो दोस्तों ध्यान रखना, बस आप बस कमेंट करके बता देना कि हाँ कर भैया आज तो यार मज़ा आ गया, बस अब से मैं ट्रिग्नोमेट्री डर नहीं लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भूत था वो मेरे से उतर गया है, बस हम गौरव भैया ने पता नहीं क्या ताबीज बनाया मेरा और ट्रिग्नोमेट्री का भूत उतर गया, अरे यार मज़ा आ गया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, टेन थीटा अपन को दे रखा 1/√3 टेन थीटा। अब भाई बंदे यहाँ पे आके घबरा जाएंगे, अरे यार भाई अभी 3 और 3, 4, 5 तक तो ठीक था, अब भाई लेके आगे कितने √3 लेके आया या रूट वाले संख्या आ गया, अरे भाई घबराना नहीं है। अब अपन को फाइंड करना है अपन को साइन थीटा एंड देन सेक थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा फाइंड करना है एज यूजल। अपन को काम करना है। अब आपको सीधा सिंपल सा ट्रायंगल बनाया है मैंने, अब ये क्या है, ये अपन को पता है परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर, तो ये अपना हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया अपना बेस। सीधा सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ किया, कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल और ये अपना थीटा मान लिया, सीधा सिंपल सा परपेंडिकुलर है 1 और बेस अपना √3। अब अपने को फाइंड क्या करना है भाई, ये फाइंड करना है यानी हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है सीधा सिंपल सा। अब तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सीधा सिंपल सा ये फंडा है। अब इस फंडे पे वैल्यूज रखते हैं अपन, ठीक है, अब वैल्यूज रखता हूँ मैं। अब देखिए हाइपोटेन्यूस तो अपन को सीधा सिंपल सा निकालना है, यानी परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कट गया, देन बचा पीछे 3, देन हो गया 4, एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर हो गया √4/2 सीधा सिंपल सा। अब हाइपोटेन्यूस अपने पास पड़ा है 2, यानी ये अपना उत्तर यानी क्वेश्चन मार्क हटा दिया अपन ने। अब आगे वैल्यू फाइंड करनी है अपन को साइन थीटा की, साइन थीटा और सेक थीटा,
साइन थीटा क्या होता है भाई, पक्का ध्यान रखना, देख उस तरफ जाके, ये रहा साइन थीटा अपना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपना एक है और हाइपोटेनस अपना रूट दो है, यानी एक बटा दो सीधा। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपना है दो और बेस है अपना रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री। ये भाई ये आंसर निकाल लिया, ये सिंपल सीधा सिंपल सा अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, और ये कॉपी पे कॉपी में नोट डाउन करते जाना, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में तो खासकर। और अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो और बेसिक्स के साथ में चलना चाहते हो या बेसिक्स के साथ में तैयारी करो तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी मतलब एक बेसिक्स के साथ में पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी मुझे एक अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए, मुझे आप बस आपकी सपोर्ट चाहिए, और आपके सपोर्ट के कारण तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा कंटेंट भी लेने को तैयार हूँ, या फिर अपने बेस्ट अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ, अपना बेस्ट देना चाहता हूँ गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब भाई थोड़ा सा और उलझा देते हैं। देखिए मैं ये पांचों क्वेश्चन और पांच क्वेश्चन में पांच तरीके के लेके आया हूँ, यानी आपके अलग अलग फंडे क्लियर कर रहा है पूरे। तो अब अपन को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपन को वैल्यू इसकी फाइंड करनी है किसकी, फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, अभी आया फंडा। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की, और शॉर्ट ट्रिक से भाई तू करेगा, शॉर्ट ट्रिक्स का फंडा तो यहाँ पर अपने बोर्ड एग्जाम में लगाना नहीं है, लेकिन हाँ ये पता होना ज़रूरी है, तो हम पता करते हैं भाई। अब देखिए ये वैल्यू अपन को किस टाइप से दी भाई, ये वैल्यू अपन को दी है फाइव टेन थीटा, यानी इसको मैंने नोट डाउन कर दिया फाइव टेन थीटा। अब ये देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई में, तो मैंने इस तरह इसका पक्षांतर के भाग में चला जाएगा, तो टेन थीटा बराबर फोर बटा फाइव। अब देखो याद ही प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व होगी, अब टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर दिया अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये अपना हो जाएगा बेस या परपेंडिकुलर बेस। अब सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं भाई, ये अपना हाइपोटेनस सॉरी ये अपना हो जाएगा बेस, बेस हो गया फाइव हाइपोटे, और अपना परपेंडिकुलर हो गया फोर। अब हाइपोटेनस निकालना, अपना हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पाँच परपेंडिकुलर यानी चार का स्क्वायर यानी सोलह प्लस बी स्क्वायर यानी पाँच का स्क्वायर यानी पच्चीस, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन ये फोर्टी वन, तो एच बराबर हो जाएगा रूट फोर्टी वन, बस ये हो जाएगा रूट फोर्टी वन, सीधा सिंपल सा ये हो गया भाई, सीधा सिंपल सा रूट फोर्टी वन आ गया अपने पास। अब अपने को इसमें, अब देखिए इसमें दो टर्म दे रखी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी जाए, ये मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या तो कितना हो जाए भाई, बेस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन को दे रखा है चार और हाइपोटेनस रूट फोर्टी वन, बस सीधा सिंपल सा। अब कॉस थीटा निकालता हूँ मैं, कॉस थीटा अपने पास है, कॉस थीटा क्या बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस बेस अपने पास दे रखा है पाँच और हाइपोटेनस रूट फोर्टी वन, बस सीधा सिंपल। अब इसके अंदर जो अपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट की है वो इसके अंदर रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए मैं इसे थोड़ा एक लाइन खींच लेता हूँ, इस तरह थोड़ा सा अलग अलग लगेगा, नहीं तो सब भेड़े हो जाएगा, भेड़े अपन को करना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना सभी को, जो भी काम करो साफ सुथरा करो बस। थ्री कॉस थीटा तो एग्जामिनर चेक करते यार भाई बोले आह भाई ने दिल खुश कर दिता है आज गीता दिल खुश कर दिता आह। अब फाइव साइन थीटा कितना हो जाएगा, बस साइन थीटा फोर बटा रूट फोर्टी वन माइनस रूट फोर्टी वन माइनस थ्री इंटू कॉस थीटा फाइव बटा रूट फोर्टी वन बटा साइन थीटा हो जाएगा फोर बटा रूट फोर्टी वन प्लस टू इंटू फाइव बटा रूट फोर्टी वन, सीधे सिंपल सा पाँच चौक बीस या फिर फाइव फोर या ट्वेंटी फोर्टी वन फोर्टी वन माइनस फिफ्टीन बट्टा फोर्टी वन रूट फोर्टी वन हो जाएगा फोर कोष्टक रूट फोर्टी वन प्लस टेन कोष्टक रूट फोर्टी वन, सीधे सिंपल सा। अब इसमें देखिए डिनोमेटर ये अपना हर समान है, तो अब बस सीधा सिंपल सा रूट फोर्टी वन बराबर बीस में से पंद्रह गए तो हो गए अपने पास पाँच, और ये बीस में ये रूट फोर्टी वन हर समान है रूट फोर्टी और दस प्लस चार प्लस दस हो गए चौदह,
रूट 41 से रूट 41 कैंसिल हो गया, 5/14 ये अपना क्या आ गया, तो ये अपना हो गया आंसर, 5/14 अपना क्या है भाई आंसर है, सीधा सिंपल सा। अब ये फंडा, अब ये फंडा आपने नोट कर दिया, तो अब दूसरा फंडा बताते हैं इसी से रिलेटेड, वो थोड़ा सिंपल होने वाला। देखिए गाइस, मैं यहाँ तक देखो ये कंडीशन हटा रहा हूँ बस, इसमें ये कंडीशन थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे अपन ने एक चीज़ निकाली थी कि टेन बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर 4/5। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा मैंने एक ही चीज़ और बताई, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए ये 4/5 है, तो ये 4/5 सीधा इसके, ये भी टेन थीटा वैल्यू और ये भी टेन थीटा वैल्यू, दोनों को मैंने बराबर हो गए, तो साइन थीटा बराबर 4 मान लो और कॉस थीटा बराबर 5 मान लो। अब तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया भाई, 4, और कॉस थीटा बराबर हो गया 5। अब तो वैल्यू पुट कर दो सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा में, यानी 5 साइन थीटा की वैल्यू 4 -3 कॉस थीटा वैल्यू 5/ साइन थीटा यानी 4 +2 कॉस थीटा यानी 5 4 20 -15/4 +10 यानी 5/14 भाई, ये भी आंसर आ गया। देख भाई फंडे पे फोकस करना है, और फंडे पे फोकस किया और भाई ये आप आंसर सामने। देख भाई दो ट्रिक बताइए, दो फंडे बताए स्पेशली फॉर बोर्ड क्लास, आपको यही करना पड़ेगा। अगर आप ये सीधा करके आते हो तो भाई सीधा वो प्रोसेस के नंबर काटेगा, एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में मेन प्रोसेस के नंबर है गाइस। आप सीधा आंसर भाई दोस्त क्या कर रहा है तू, सीधा आंसर लेके आ गया भाई, आंसर तो हर कोई लिख के आ जाएगा भाई, सीधा आंसर की याद कर लेगा भाई, जो भाई उत्तरमाला आती है किताब बुक के पीछे वो याद कर लेगा, फिर सीधा आंसर लिख के जाओ भाई सर मेरे सारा आंसर सही लिखे। अरे भाई आंसर से मतलब नहीं, यहाँ पर प्रोसेस से मतलब है, तो भाई तेरे को ये प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस भी आपको आना, ये फंडा पता होना जरूरी है गाइस, फंडा पता है तो आपके लिए सारी चीज़ सिंपल है या फिर ईजी होने वाली। तो चल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई मज़ा आ रहा है तो भाई देखिए, दो मिनट भाई मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ, जब तक भाई आप अच्छा से कमेंट जरूर कर सकते हो यार, मेरा भी मनोबल बना रहे और आपका भी ध्यान भटके ना, तो गाइस कमेंट कर दीजिएगा जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। हाँ भाई चल टाइम ख़त्म हो गया भाई, अब फोकस मार कमेंट बाद में करना। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए तो भाई सब इरेज करना पड़ेगा और ये बंदो याद हो जाना चाहिए, ये याद है तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्वेश्चन 5, कोई लास्ट क्वेश्चन है। अपन को कोस 43 डिग्री दे रखा है, 43 डिग्री बराबर एक्स कोस तक रूट एक्स स्क्वायर +√y² ये फंडा दे रखा है, तो अपन को tan 47 डिग्री का मान निकालना है, कितने इसका मान निकालना। अब भाई क्या करेगा, आ गया चौंक गया तू भाई, पहले तो यार थीटा का वैल्यू था, सीधा वैल्यू पुट की देन ये फंडा कर लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा फंडा बस, ज़्यादा नहीं भाई, देखने से बंदा घबरा, ये देख के घबरा गए, 43 डिग्री और 47 डिग्री देख के घबरा गए, अरे यार भाई क्या करो, छोड़ देता हूँ, छोड़ना नहीं है, फोकस मार इधर। अरे अब कॉस 43 डिग्री, अब देखिए मैं अपना ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ सीधा, देख फंडा जहाँ पे आ रहा है सीधा ट्राइंगल ड्रॉ करने में कोई कंजूसी नहीं है। ये अपना ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर दिया। अब देख 43 डिग्री ये माना मैंने, ये थीटा अपना क्या 43 डिग्री। अब कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, ये अपना हो गया बेस और ये अपना हो गया हाइपोटेन्यूस, तो भाई बेस अपन बेस की वैल्यू लिखता हूँ मैं, तो बेस की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी एक्स, हाइपोटेन्यूस को हो गई √x² +y² परपेंडिकुलर अपन को निकाल। अब देखिए तो पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते अपन, यानी h² बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन एच का स्क्वायर हो जाएगा यानी √x² +y² का होल स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन को फाइंड करना है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, इससे रूट से एक्स स्क्वायर से रूट कट गया, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब ये एक्स स्क्वायर इस तरफ भेजा मैंने तो प्लस का माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कैंसिल आउट, देन वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर पी बराबर क्या हो गया, वाई हो गया, तो पी बराबर हो गया अपने पास वाई, परपेंडिकुलर अपने पास आ गया। अब भाई क्या करना है, अब टेन 47 डिग्री चाहिए अपन को, अपने को क्या फाइंड करना है, टेन 47 डिग्री। अब देख भाई, अब ये एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि देख देखिए जो त्रिभुज होता है एक ट्राइंगल, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए अपन को फाइंड करना है, प्लस एंगल बी अपन को 90 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी अपन को दे रखा है 43 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस 90 प्लस 43 कितना हो गया भाई, 133 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये इस तरह भेजा प्रश्नांतरण गया तो एंगल ए बराबर 47 डिग्री कितना आ गया, अभी हो गया अपना 47 डिग्री। अब अपने को देखिए, अब अपने थीटा कौन सा हो गया भाई, थीटा ही हो गया, तो इसके हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा, मैंने कहा थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा, अब थीटा ये ले रहा हूँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। या फिर इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, 43 ऊपर लेके जाऊँ इस प्रकार, थोड़ा इसको मैंने ऊपर घुमा दिया, अभी अपना 47 डिग्री हो जाएगा और ये 43 डिग्री। अब ठीक है, अब ये इसमें साथ में ऊपर चला गया तो ये अपने पास एक्स इधर आ गया, हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस यहीं पे रहेगा और ये अपना हो जाएगा वाई। तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है भाई, यार थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ भाई, कन्फ्यूज़न ना हो, कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं रखनी अपन को। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, अब थीटा 47 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है टेन 47 डिग्री की, टेन 47 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या भाई, परपेंडिकुलर अपना है एक्स और बेस है अपना वाई, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो गाइस अब तो दोस्तों अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, अब यहाँ से आपका काम थोड़ा सा स्टार्ट होता है भाई, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देख रुक के जाना भाई, बार बंद मत कर। क्या करना है कि भाई वीडियो एंड तो देगी, उसके लिए थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर फीडबैक के लिए थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। और भाई तू नया है देख रहा है, जो तू जो वीडियो देख रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप नए हो वीडियो के अंदर या फिर मेरे चैनल के अंदर तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, SUBSCRIB स्पेलिंग है मैं बता देता हूँ, या फिर हिंदी में बोले तो सदस्यता ले, वो बटन दब रहा होगा लाल कलर का सुनहरा बटन, तो उस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा, और पास में घंटी का बटन आ रहा होगा तो उस वो मेरा नोटिफिकेशन का है, थोड़ा सा बस आपको प्रॉब्लम हो गया टक बोले जा, आपके फ़ोन में जो रिंगटोन हुई वो आवाज़ आने वाली तो वो थोड़ी सी सुनाई देनी, जिससे मेरी बस आपको पता चल जाएगा अरे यार गौरव सर की या गौरव भैया की वीडियो आ गई है, तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा। तो गाइज थैंक यू अगेन, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कई सारे क्वेश्चन के साथ में मैं वापस होता हूँ, तो मिलते हैं गाइज़।